आई थिंक कुछ लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि हर एक स्ट्रेटेजी ट्राई कर चुका हूँ, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर ट्राई कर चुका हूँ, मैंने प्राइस एक्शन ट्राई कर चुका हूँ, मैंने स्ट्रक्चर भी ट्राई कर चुका हूँ, मूविंग एवरेज ट्राई कर चुका हूँ, सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, बट प्रॉफिट नहीं होता, बस लॉस होता है। जानते हो क्यों? ये क्वेश्चन का आंसर है, आप प्राइस एक्शन करना है प्राइस एक्शन करो, आप मूविंग एवरेज देखना है मूविंग एवरेज देखो, मार्केट स्ट्रक्चर देखना है कुछ भी देखना है, आप बहुत सारी है फिबोनाची, के भी आप ट्रेड कर सकते हो, या अब बोलिंजर बैंड बहुत सारी है, तो आप एक स्ट्रेटेजी आप एक मंथ पे लिख लिख के ट्रेड कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना दिख जाएगा। 40% या 50% या 60% आपका स्ट्रेटेजी, जब आपका स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। दैट्स व्हाई आपको एक चीज याद रखना कि आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी नहीं जानना पड़ेगा, बस एक स्ट्रेटेजी आप जब जान जाओगे तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, कोई बात नहीं, बट आपको फर्स्ट एक स्ट्रेटेजी पे मास्टरी करना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि बैक टेस्टिंग करना पड़ता है, तो आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है एक स्ट्रेटेजी। बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज से पैसा बना लेते हैं, तो आप बस मूविंग एवरेज भी देख कर एक मंथ ट्राई कर लो, बाद में मुझे कुछ बोलना या मैसेज करके बोल देना कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता। फर्स्ट आप एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहो एंड एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करने की कोशिश करो। इक्वेशन का आंसर यही है कि एक स्ट्रेटेजी पे आपको ट्रेड करो।